स्वर्ग और नर्क। एक बुजुर्ग औरत मर गई, यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नर्क के बारे में सुना है, मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्मा तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के यहाँ खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है, शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दी। सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग से भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई, उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी इस पतीले से भर कर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं? ईश्वर ने यह पेड़ पौधे नदी झरने हम मनुष्य के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है, चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है, उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं, वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे और वहीं लोग खुद ही आलसी हैं, उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वह कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं, क्योंकि यही ईश्वर का नियम है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा।